चंदौली के सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करता हूं। और ये अगर हमारे संचालक महोदय सुरेश भैया कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम मैंने सजाया है तो ये सरासर गलत होगा। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जितना इस कृष्णा मिश्रा ने काम किया है उतना ही काम किया है हमारे शिवम उपाध्याय जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने, जो पहले दिन से चर्चा हो रही थी इनसे, जब से कार्यक्रम का एक रूप गढ़ा गया, ये इसका एक आकार तय किया गया कि कार्यक्रम कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, तो ये सारा सब कुछ जो हुआ ये इनके मार्गदर्शन में हुआ। और ये जो कविता हम लोगों ने, कवियों का जो मंच बनाया है, इसमें हमने अनुभव भी लिया है और मेहनत भी ली है, क्योंकि अध्यक्ष जी अब मेहनत नहीं कर सकते लेकिन इनके पास वो अनुभव है, और हमारे पास, हम मेहनत कर सकते हैं लेकिन हमारे पास वो अनुभव नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों का वो जो समावेश लिया है वो बराबर करके लिया है, ताकि कार्यक्रम ये चंदौली में हर साल एक कार्यक्रम कराया जा सके। और हमारे सहयोगियों में पीछे वेदांता हॉस्पिटल, लीलावती इंटरप्राइज, आलोक इंटर कॉलेज और जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं उन सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं, और ये चाहता हूं कि वो हमारे साथ अनवरत जुड़े रहें जिससे हम यहां पे कार्यक्रम कराते रहें। और विधायक जी के बारे में क्या कहें, इतने सरल हम लोग सुबह गए और इतने खुल के विचारों से मिले, इतने हंसते हुए मिले कि हमें लगा ही नहीं कि हम किसी एक विधायक के घर पे आए हैं, हमें लगा कि हम अपने परिवार में बैठे हुए हैं। क्या कहने, तो अच्छा, अगर आप घर के बच्चों को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो किसको बढ़ाएंगे, अगर ताली नहीं बजाएंगे तो किसके, किस पे बजाएंगे फिर? तो मैं छोटा हूं लेकिन आते निवेदन करता हूं, अपना हक मांगता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी तालियां चाहिए। और इसी बीच में मुझे एक चेहरा दिखाई दे रहा है जो मैंने बहुत बचपन से, जब UKG में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो आदरणीय हमारे गुरु जी हरिहर विश्वकर्मा जी यहाँ पे उपस्थित है, मैं चाहता हूँ बार आप लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को मंच पे नहीं चढ़ना था सर, हम लोग डरते थे लेकिन इन्होंने मार मार के हम लोगों को मंच पे चढ़ाया, और आज शायद उसी का परिणाम है, उसी का फल है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं बस यहीं से अब चार पंक्तियां शुरू करता हूँ कि पढ़ने से पहले मैं देश के लिए जरूर पढ़ता हूँ सर, तो यहीं से चार लाइन शुरू करता हूँ कि सुनिएगा। जब एक फौजी जाता है युद्ध पे तो उसके मन में क्या होता है, उसे ये नहीं होता कि मुझे पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं होता, उसके अरमान क्या होते हैं सुनिएगा। स्वागत है। कि हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा, यहाँ पे एक ही वर्दी दिख रही है मुझे और ये बात सच होगी तो वहां से जवाब आना चाहिए, कि हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा, है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आऊंगा, सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का, उसकी चाहत क्या होती है, सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का, तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊंगा। क्या कहने भाई, क्या कहने, तिरंगा एक दिन कफन करके मैं आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई कृष्णा, शानदार। और यहीं से चार लाइन यहां से शुरू करना चाहता हूं, पढ़ रहा हूं मैं अपने क्षेत्र के लिए, चूंकि ये बनारस का ही हिस्सा है तो बनारस क्यों कहते हैं इसे, बाकी भी शहर है लेकिन इसे खास क्यों कहा जाता है सुनिएगा। यहाँ पत्थर की पूजा है, यहाँ पत्थर भी पारस है, बाबा जहाँ मूरत की पूजा है यहाँ पत्थर भी पारस है, करे हट खेलिया मझधार में भी स्वान सारस है, करे हट खेलिया मझधार में भी स्वान सारस है, जो झूले धार गंगा की तो फिर बैकुंठ वो जाए, जो झूले धार गंगा की तो फिर बैकुंठ वो जाए,
ये जन्नत से बड़ी नगरी ये काशी है बनारस है। वाह भाई वाह। ये जन्नत से बड़ी नगरी ये काशी है बनारस है। और इतनी रात हो गई है, लोगों ने सब पे पढ़ा, एक ही चीज रह गई है मुझे लगता है, और वो रह गई है शराब। चूंकि हम लोग थोड़े से बिगड़े हुए भी छात्र थे तो शराब पे जरूर पढ़ेंगे, सुनिएगा। शराब क्या है, अगर यहाँ आ जाए तो क्या मुकाबला होगा, और जो प्रेमी है वो कैसे मुकाबला करेगा, सुनिएगा। स्वागत है। उनकी नजर से जो उलझी शराब यहाँ हार फिर जाएगी शराब मैं खाने में। वाह भाई क्या उपमा है। उनकी नजर से जो उलझी शराब यहाँ हार फिर जाएगी शराब मैं खाने में। और हमसे भी भले बुरे लोग यहाँ बैठे हुए हम ही नहीं रहे खराब मैं खाने में। बढ़िया भाई बढ़िया। हमसे भी भले बुरे लोग यहाँ बैठे हुए हम ही नहीं रहे खराब मैं खाने में। बढ़िया भाई बढ़िया। अच्छे भाई सबको लपेटते रहो। भैया मैं खाने में क्या मिलता है सुनिएगा। कि दिल में जो दर्द उठे मन में जो प्रश्न उठे मिलते हैं सबके जवाब मैं खाने में। बढ़िया भाई। दिल में जो दर्द उठे मन में जो प्रश्न उठे मिलते हैं सबके जवाब मैं खाने में। और हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस देखो। और हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस देखो कहते हैं जिनको नवाब मैं खाने में। वाह भाई वाह। हाथ पसारे यहाँ बैठे हैं रईस देखो कहते हैं जिनको नवाब मैं खाने में। हम यहाँ क्यों आए, हमारा काम ही तो यही था कि कफन से काफ हटाना है फन बनाना है। कफन से काफ हटाना है फन बनाना है, हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है। और यहीं से भैया एक दहेज पे गीत है जो मैंने नई रचना लिखी है, और अगर बच्चा घर में होमवर्क नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। तो ये घर है और यहाँ पे मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आप लोग कापियाँ चेक कीजिएगा, उस पे अगर त्रुटियां होगी तो मुझे स्वागत कीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रीतेश सर, प्रीतेश सर को पहले बोलिए विशेष रूप से। हमारे प्रीतेश भैया इस कार्यक्रम के एक स्तंभ है, इसमें जितने स्तंभ हैं यहाँ पे बैठे हुए हमारे प्रीतेश भैया, उनके बगल में सत्यनारायण सत्येंद्र भैया, सत्येंद्र भैया और सूरज पांडे जी, सब स्तंभ है कार्यक्रम को खड़ा करने के लिए। तो यहाँ से सुनिएगा। स्वागत। एक हांडी दहेज की ऐसी चढ़ी, एक हांडी दहेज की ऐसी चढ़ी, दाल जो ना गली वो गला दी गई। बाबा एक हांडी दहेज की ऐसी चढ़ी, दाल जो ना गली वो गला दी गई, और लालच की लकड़ी लगी आग में, और लालच की लकड़ी लगी आग में, नववधु फिर उसी में जला दी गई। क्या बिंब है भाई। और लाल बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया लगी आग में, बढ़िया नववधु फिर उसी में जला दी गई। चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो रहा है मैं केवल इस गीत का एक ही बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। एक लड़की से जब एक दुल्हन बनी, एक लड़की से जब एक दुल्हन बनी, ख्वाब लेकर नयन में विदा हो गई। एक लड़की से जब एक दुल्हन बनी, ख्वाब लेकर नयन में विदा हो गई, और नयन के स्वप्न सब दफन हो गए, और नयन के स्वप्न
सपन सब दफन हो गए छोड़ कर ये जहां अलविदा हो गए। क्या कहने भाई, क्या कहने, और नयन के सपन बहुत बढ़िया कृष्णा हो गए छोड़ कर ये जहां अलविदा हो गई। और इस गीत पे रचना जारी है, इसको मैं आगे लिखूंगा, बस यहीं पे मैं विराम देता हूँ और आशीर्वाद। मैं